गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ 5 मिनट का अंडर आर्म्स व्हाइटनिंग चैलेंज, वो भी लाइव रिजल्ट आप देख पाओगे अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी 2 रेमेडी, जिनको फॉलो करने के बाद आपकी अंडर आर्म्स कितनी भी काली हो, कितनी भी डेड लेयर जमी हो, बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन हो जाएगी। लेकिन हमें उस लाइफ रिजल्ट को आगे कंटिन्यू रखना है, जिसके लिए मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अंडर आर्म्स लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, क्योंकि हम बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जिससे हमारी अंडर आर्म्स बिल्कुल काली हो जाती है और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है और वो कालापन दूर होने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके लिए आप लोगों ने भी बहुत कुछ ट्राई करा होगा आई एम श्योर। बट आज का मेरा रेमेडी फॉलो करने के बाद ट्रस्ट मी आपको कुछ और ट्राई ही नहीं करना पड़ेगा। लाइव रिजल्ट अपने ऊपर देखो और इंस्टा पे मेरा IISHA ईशा मेहरा अकाउंट है, वहां जाके मुझे फॉलो करो और बिफोर एंड आफ्टर के पिक जरूर सेंड करना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है और क्या है इंपॉर्टेंट टिप्स। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो होती है ना, उसको जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको लेना है 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर, ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मैं आपसे बोल रही हूँ। और इसमें हमें ऐड करना है 1/2 लेमन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि आपने 2 दिन पहले वैक्स, रेजर, कुछ भी अपनी अंडर आर्म्स में यूज ना किया हो, बिकॉज आपके बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो अगर आपको 1 हफ्ता हो चुका है तो ही आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करिएगा, ताकि आपको कोई भी जलन ना हो और बल्कि उसका रिजल्ट आपके अंडर आर्म्स में बहुत ही इफेक्टिव रहे। ये आपके बबल से बनने लग जाएंगे, लेमन एसिडिक हो गया। लेकिन डोंट वरी, आपको इसको किसी भी अपने बॉडी और पार्ट पे यानी फेस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपकी कोहनी, काले घुटने हैं, उस पे जरूर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें कॉटन बॉल डिप करते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, एक गीले टॉवल से अपनी अंडर आर्म्स को अच्छे से नीट कर लेना है। हो सके तो वेट वाइप से करें, जिससे आपके जो अंडर आर्म्स में पसीना है, बैक्टीरिया है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले आप अपने स्किन पर पैच टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई आपको रिएक्शन तो नहीं हो रहा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता। अगर आपको पैच टेस्ट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो इजिली आप इसको अंडर आर्म्स में 2 से 3 मिनट के लिए अप्लाई करें और 2 से 3 मिनट बाद आप अपनी अंडर आर्म्स को पोंछ लें, क्लीन कर लें। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है और ये आपको हमेशा सोने से पहले करना है, ताकि जब आप एसी में सोएं या फैन में सोएं तो आपको स्वेट ना हो, आपके अंडर आर्म्स में इसका इफेक्ट रहे। जब आपने वॉश करना है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके अपनी अंडर आर्म्स में रब कर लें। इससे अगर आप 2 से 3 बार करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे, इनफैक्ट 1 टाइम के यूज के बाद ही आपको आपके अंडर आर्म्स में बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी की तरफ। सेकेंड रेमेडी के लिए आपको एक खाली बाउल लेना है और इसमें डालना है नमक। 1 चम्मच आपको नमक ले लेना है। नमक भी आपकी बहुत स्किन को अच्छे से लाइटन और ब्राइटन करने का काम करता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कॉलगेट। आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन वाला कॉलगेट मैंने लिया है, यही आपको यूज करना है, दूसरा नहीं। और ये ऑलमोस्ट यूज हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रेमेडी अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करती हूँ। इतना सा पेस्ट आप ले सकते हैं। आप इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसका स्मूथ पेस्ट आप बना लीजिए। कॉलगेट में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी अंडर आर्म्स को लाइटन और ब्राइटन करेगा, और आपकी जो बैड ऑडर आती है यानी आप अंडर आर्म्स से स्मेल आती है, वो प्रॉब्लम भी, अगर आप इन रेमेडी में से कोई भी एक रेमेडी आजमा लेंगे ना, तो आपकी वो स्मेल प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखेगा रात को ही इसको यूज करना है। तो आप देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और इस तरीके से अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट बाद आपको इसको वॉश कर देना है। सेम यही प्रोसेस है, अगर आपको कोई इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो आप इमीडिएटली वॉश करके आइस अपने अंडर आर्म्स में रब कर लें या एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें। अदरवाइज आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद सादे पानी से धो दें। सादे पानी से धोने के बाद आप कोई भी अपनी अंडर आर्म्स में आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल अप्लाई करके सो जाएं। आपको ये प्रोसेस दोनों रेमेडी में से कोई भी एक रेमेडी आपको हफ्ते में 3 बार करनी है। अगर आपको पहली वाली रेमेडी बेटर लगती है तो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाली यूज कर सकते हैं।
गाइस अब बारी आती है इम्पोर्टेंट टिप की, जो जरूर आपको फॉलो करनी है ताकि जो आपका ये बेहतरीन वाला रिजल्ट आपके अंडर आर्म्स में आया है वो लॉन्ग टाइम बना रहे और आपके अंडर आर्म्स काली ना हो। इसके लिए टिप नंबर 1 ये है कि आप जब भी रात को या बाहर से कहीं आते हैं अपनी अंडर आर्म्स को बहुत अच्छे से क्लीन करें, चाहे आपके नहाने का ना मन हो तो भी जैसे आप फेस को वॉश करते हैं वैसे अपनी अंडर आर्म्स को अच्छे से नीट करें। उस पर रात को जो बादाम का तेल होता है ना, बादाम रोगन वाला, वो हल्का सा अप्लाई करके सोएं या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करके उसके बाद आप सो जाएं। टिप नंबर 2 है कि जब भी आप डिओड्रेंट या आप कोई भी परफ्यूम यूज करते हैं तो डायरेक्ट अपनी स्किन पे ना करें, बहुत लोग अंडर आर्म्स में करते हैं। मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि अंडर आर्म्स हमेशा आपका जो बॉटम होता है यानी आपका जो टॉप होता है उसकी आप स्टिचिंग पे करें या टॉप पर करें, कभी भी स्किन पे डायरेक्टली स्प्रे ना करें। इससे क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है वो बर्न होने लगती है, क्योंकि परफ्यूम्स में डिओड्रेंट में केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन पे जाके रिएक्ट करते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है, आपकी स्किन धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और वो काला कभी भी नहीं जाती, उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो जब भी परफ्यूम या डीओ यूज करें तो हमेशा अपने कपड़ों पर करें ना कि अपनी स्किन पर। टिप नंबर 3 ये है कि बहुत सारे लोग जब धूप में जाते हैं तो फेस पे सनस्क्रीन तो लगाते हैं लेकिन जब हम स्लीवलेस पहनते हैं तो अपनी अंडर आर्म्स को छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करिए। अंडर आर्म्स पे भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करें और साथ में कोई भी कभी भी टैल्कम पाउडर अपनी गर्दन पे अपनी अंडर आर्म्स में यूज ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोगों की गर्दन बिल्कुल काली होती है, अंडर आर्म्स बिल्कुल काली हो जाती है, क्योंकि जो टैल्कम पाउडर होता है उससे जब हम उसको डालते हैं उसमें केमिकल मिला होता है जो हमारी स्किन पे जाके रिएक्ट करता है और कुछ टाइम बाद जैसे आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं कुछ टाइम बाद आपकी स्किन काली पड़ने लगती है। तो ये थी मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, इनको जरूर फॉलो करें और हमेशा खुश रहें।